सुब्रमण्यम जी मेघालय की कूटनीति को तीन शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सी सी सी, क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट। हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए, विकृत करने के लिए मेघालय ने तीन सी का आविष्कार किया, क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट। इनके माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विकृत किया गया। इसके विपरीत छांदोग्योपनिषद का अध्ययन कीजिए, तीन द, ये मेघालय के तीन सी भारत के अस्तित्व आदर्श को विकृत करने वाले। हमारे यहाँ तीन द, दया, दान और दम। दम मन इंद्रिय संयम मनो निग्रह, दया और दान, तीन द को अपनावे। मेघालय के तीन सही भारत को दुर्बल बनाने वाले, इनको छोड़े। अध्ययन का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मेघालय की विधा से नहीं, क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट। आधुनिक न्याय व्यवस्था है क्या? लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक घुस दौड़ते रहो, न्याय मिलेगा नहीं। न्याय मिलेगा तो उसको सरकार क्रियान्वित होने देगी नहीं। ये कोई न्याय की प्रणाली है क्या? हमारी विधा है क्या? न्याय की प्रणाली पर अगर मैं एक वाक्य कहूं, पश्चाताप प्रायश्चित और क्षमा न्याय का मूल स्वरूप। कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप, उचित प्रायश्चित, जिसके प्रति भूल हो जाए क्षमा मांग ले, न्याय की यह विधा है। और वर्तमान विधा के अनुसार तो किसी को न्याय प्राप्त हो जाए कठिन है, बहुत महंगा है, और हो भी जाए तो क्रियान्वित हो पाना बहुत कठिन है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन, स्वतंत्र भारत में भी भारत को अपना संविधान प्राप्त नहीं है जी, क्या करेंगे आप उत्कर्ष? इंग्लैंड की दस्ता आज भी प्राप्त है, स्वतंत्र भारत में भी भारत को अपना संविधान ही प्राप्त नहीं है। सारी पद्धति, शिक्षा, रक्षा, सेवा की पद्धति सब विकृत है, और बुरा न मानो होली है। ब्राह्मणों का विकल्प किनको निकाला गया जी? शिक्षकों को। इन्हीं से शिक्षा जगत में विसंगति है। छात्रों का विकल्प निकाला गया मिलिट्री या पुलिस को, इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है, बुरा न मानो होली है। वैश्यों का विकल्प माना गया उद्योगपतियों को, इन्हीं के पूरे विश्व को 13 व्यापारी चला रहे हैं। किसी भी अभी राजनेताओं में सुब्रमण्यम जी को छोड़ के, अभी राजनेताओं में दिशाहीन व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता है, आगे वो भी नहीं रहेगी। देशी विदेशी कंपनियां प्रांत पर और भारत पर शासन कर रही है या नहीं, ध्यान गया आपका? ये शासन तक है क्या? देशी विदेशी कंपनियां भारत पर शासन कर रही है या नहीं? अभी राजनेताओं में केवल इन कंपनियों को ठेका देने की क्षमता है, आगे जब ठेका देने की क्षमता भी नहीं रहेगी, देश कहां जाएगा, विश्व कहां जाएगा? इसलिए राजनीति में जो ह्रास हुआ है, उस ह्रास को दूर करने की आवश्यकता है।